गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक बहुत बढ़िया दिन है, देखो कितनी धूप निकली है। सुबह के बज रखे हैं, क्या टाइम है, 11 बज रखे हैं और हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। कैसे बोलते हैं मुझे, सागर कैंपस मैं कैसे बोलते हैं टोरंटो को, फिर से बोलियो टोरंटो। हाँ वो वहीं जा रहे हैं। तो अभी हमें वॉक करनी है यहाँ से कुछ 10 मिनट तक, हमें आगे वाला बस स्टॉप देखना है क्योंकि वहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। हमारे घर के बाहर भी एक बस स्टॉप है लेकिन उससे 40 मिनट पहुँचेंगे, तो आगे उससे 20 मिनट पहुँचेंगे। हमें कुछ जल्दी है, हमें सामान उठाना है, वहाँ से पढ़ने नहीं जा रहे, घूमने जा रहे हैं और सामान उठाने जा रहे हैं। और आज वेदर फिर से बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है इन कैनेडा। ओहो वाह वाह वाह, चिकने रोड। यूनिवर्सिटी का टूर भी देंगे बहुत जल्द, अभी नहीं, अभी तो ऐसे आपको दिखा देंगे कि भाई यहाँ पढ़ता हूँ, एक साल बाद मैं खुद जा रहा हूँ, मैं भी पहली बार देखूँगा इन रियल लाइफ। बाकी टूर जल्दी आएगा, अभी आगे आएगा, टाइम लगते ही आएगा। ये होता है प्रेस्टो कार्ड, बस में घुसेंगे इसमें टैप कर देंगे, पैसे कट जाएंगे और अपना बस में बैठ जाओ। ये जगह आपने पिछली वीडियो में देखी थी, वो बिल्कुल सुबह सुबह था, देखो कितनी भीड़ है इधर। ये रहा हमारा बस स्टॉप, वो बैठने की जगह, बैठते हैं थर के। वो आ गई हमारी बस के सामने दिख रही है रेस्टोरेंट, इधर अब हम बस में बैठेंगे। ठीक है, अच्छा ये बस है, ये है हमारी बस, कैनेडा की बस में बैठेंगे आज। भीड़ है नहीं है सुबह सुबह, अब जैसे यहाँ पे स्टॉप के बटन से जैसे वो दिख रहा लाल बटन, अगर आपके स्टेशन पे कोई खड़ा नहीं है तो बस नहीं रुकेगी, जब अगर आपको उतरना है तो आपको स्टॉप दबाना पड़ेगा, आप नहीं दबाया तो बस रुकेगी नहीं। रूल्स है इधर, ये स्क्वायर वन है। सबसे पहली वीडियो जो हमारा फर्स्ट दिन कैनेडा था उसमें आप आए थे, क्या जा रहे हो पुलिस आ गया तो बिल्डिंग, अरे ये बिल्डिंग पास, पेट्रोल पंप अभी हम उस बस से निकल चुके हैं, ये ऊपर बस पकड़नी है जो हमें सीधा यूनिवर्सिटी पहुँचाएगी। यहाँ पे इसके उस पुरानी मेमोरीज है, तो इसी स्टॉप से मतलब मेरा घर पहले यहाँ से बहुत पास था, तो हमेशा इसी बस स्टॉप से यूनिवर्सिटी जाते थे और यहीं से वो जो बस आती है, तो एक सिर्फ वो सिंगल बस यही थी, चेंज भी नहीं होती, यहीं से सीधे जाती थी और यहीं नीचे जाके घर है। कभी हुआ है कि वो, ये तो बहुत पास था, मेरा वाला घर तो थोड़ा दूर है। सैड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मैं पहले बार अपनी यूनिवर्सिटी को देखूँगा, देखते कैसा लगेगा, एक साल बाद देखूँगा क्योंकि एक साल हो गया मुझे एडमिशन लिए हुए, तो देखते हैं कैसा क्या लगता है। हमारी दूसरी बस आ गई है जंगल में निकल के, हम आगे जाना है, यहाँ से यूनिवर्सिटी 5 मिनट की दूरी पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, आपका स्वागत है, स्वागत है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। ओहो कितनी मस्त है, अरे एक साल बाद देख रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है। ग्राउंड वाली लाइब्रेरी है। अच्छा तो अभी हमें वो मिल गया अपना, ठीक क्या कहते हैं, यू पास, इसमें हम
हमारी जो सिटी है उसमें कोई भी बस पकड़ेंगे तो हमारे लिए फ्री होगी। हमारी यूनिवर्सिटी देती है, ये बढ़िया चीज़ है। अब कहीं पर भी हम सिटी में फ्री में जा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। वरना 4-5 डॉलर लगते थे हर बार एक बार बस में जाने के। बाकी हमें रेड बुल भी दिए फ्री में, काफ़ी चीज़ें फ्री में ले सकते हैं, लेकिन मैंने रेड बुल ली बस, सही चीज़ है। और अभी हम जा रहे हैं, मैंने जैकेट ऑर्डर कर रखी थी। और ओहो कितना सुंदर है यार ये, वाह कितना पीस है यार यहाँ पे। ये एक बिल्डिंग है, ये दो बिल्डिंग है, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी के अंदर। ये ग्राउंड है किसी चीज़ का, अंदर से ऐसी है, वाह। अब जैसे डस्टबिन के लिए है सब कुछ, मैंने कैन लिया, कैन है इसमें ऐसे डाल दिया। चलो अब तो अभी हम यूनिवर्सिटी से बिल्कुल फ्री हो गए हैं, 4-5 काम तो सारे निपटा दिए। और हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स है, इसमें हम अपनी यूनिवर्सिटी के कपड़े ले सकते हैं। सो प्रिंट आया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। अभी थोड़ा टाइम लगा है बोलने में से, तो मैंने तो एक वो लिया, क्या कहते हैं इसको, क्या क्या लिया मैंने है? क्या कहते हैं इसको, तो मैंने लिया है ज़िपर जैकेट। हाँ ज़िपर जैकेट, वन पोर्ट ज़िपर जैकेट, हाँ जो भी है, तो हमने वो लिया है। ये बस स्टैंड है पूरा, बस स्टैंड मतलब काफ़ी अंदर लोग बैठ सकते हैं, सर्दी हो जाती है तो इसलिए इतना बड़ा बना रखा है। यहाँ भी बस आएगी, कहाँ जाएंगे हम, साउथ कॉमन। क्या लेना है वहाँ पे, बैंक का काम है और थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। जो भी है मेट्रो जैसी बस है, मेट्रो में बीच में वो जुड़ते नहीं थे दो डब्बे, इसमें ऐसे दो बस जुड़ी हुई है, बहुत लंबी बस है। ये स्कूल बस है आपकी, तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैं डेली व्लॉग करने की ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ अगर रिस्पॉन्स हुआ तो कर भी लेंगे। अभी 4 बज गए हैं और हमारे सारे काम निपट गए हैं, ग्रोसरी वगैरह सब कुछ लिया है, बैंक का काम भी हो गया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।